Morning students, today I am going to teach you the third part of the fourth chapter, multiplication. In my previous class I already taught you about the multiplying three digit number by one digit number and multiplying two digit number by one digit number. Today I am going to teach you multiplying by two digit number. जब two digit number को two digit number से multiply कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? For example, multiply 57 by 25, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 का मल्टीपल 1 के प्लेस पे जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. 5 7 इज 35, क्या है 3, 5 5 इज 25, 25 प्लस 3 28. तो यहाँ पे क्रॉस देंगे हम लोग. Then, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे. 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बचेंगे इन वन स्पेस. 2 7 14, कैरी 1. 2 5 10, 10 प्लस 1 11. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे. 5 8 प्लस 4 12, 2 प्लस 1 3, तो कैरी वाला 1 है 4 एंड 1. सो द प्रोडक्ट इज 1425. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं. 45 मल्टीप्लाई बाय 26. इसी तरह करेंगे, सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई करेंगे उस डिजिट से जो वंस के प्लेस पे है. 6 5 is 30, carry 3. 6 4 is 24, 24 plus 3, 27. यहाँ पे क्रॉस करेंगे, then अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे जो जो डिजिट वंस के प्लेस पे है. 2 5 is 10, carry 1. 2 4 is 8, 8 plus 1. उसको ऐड करेंगे 0, 7 प्लस 0 7, 9 प्लस 2 द प्रोडक्ट इज 1170. और नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय एक्सपैंडिंग द बिगर नंबर, यानी कि जिस नंबर से हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना है उसमें जो बिगर नंबर है उसको एक्सपैंड करके कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई 83 बाय 4, ठीक है? मल्टीप्लाई 83 बाय 4. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 83 को क्या करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है? 80 है टेंस में, ठीक है? तो 80 है, पहले हमको इसको लिखे नहीं ऐसे, ठीक है? अब इसको कैसे करेंगे, 80 को तो कम दे ऐसे करेंगे. 83 है, 80 प्लस 3, पहले इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है, अब मल्टीप्लाई करेंगे. 80 इंटू 4 एंड 3 इंटू 4. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 80 इंटू 4, 4 0 प्लस 0, 4 इज 32. अब 3 4 इज 12. अब इसको ऐड करेंगे, तो 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, and 3. तो क्या आएगा, 330. तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए. 83 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मल्टीप्लाई करिए, 4 3 is 12, carry 1. 4 8 is 32, 32 plus 1 30.
43। तो आंसर आपका सेम है, ठीक है। तो ये क्या था, मल्टीप्लाइंग बाय एक्सपैंडिंग द बिगर नंबर। जो बिगर नंबर है उसको हम लोग पहले एक्सपैंड करेंगे। तो हम लोगों ने 83 को एक्सपैंड किया 80+3, उसके बाद पहले 80 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 में करेंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट। ओके, देन नेक्स्ट इज स्टोरी सम्स। मैं आपके बुक में ही एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसको रीड करूंगी, उसको फॉलो करूंगी, ठीक है। आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप उनको रफ कॉपी में सॉल्व करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, पेज नंबर 61 में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको मैं रीड कर रही हूँ। There are 84 balloons in a packet. एक पैकेट में 84 balloons हैं। How many balloons will there be in 48 such packets? 84 एक पैकेट में 84 balloons हैं, ठीक है? तो 48 packets में कितने total balloons होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले number of balloons in a packet. एक पैकेट में कितने बलून्स हैं? सबसे पहले आप ये देखेंगे, एक पैकेट में बलून्स हैं 84, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ पैकेट्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ पैकेट्स में आपको बलून्स को काउंट करना है। तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं? नंबर ऑफ पैकेट्स इज इक्वल्स टू 48। टोटल पैकेट नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं? 48। नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं? 48। अब आप क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ बलून्स निकालने हैं कि 48 पैकेट्स में कितने बलून्स होंगे। तो नंबर ऑफ बलून्स इन 48 पैकेट्स इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 84 मल्टीप्लाई बाय 48, 8 4 32, कैरी 3, 8 8 64, 64 + 3 67, अब हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, कैरी 1, 4 8 32, 32 + 1 33, 2 स्क्वायर करेंगे, 7 + 3 + 3 13, 3 9, 10 एंड 4। तो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस कितने हो गए, 4032। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयर विल बी कितने टोटल बलून्स कितने हैं, 4032 बलून्स इन 48 पैकेट्स, यानी कि 48 पैकेट्स में कितने बलून्स होंगे, 4032, ठीक है। तो मैंने आपको ये स्टोरी सिम्स का एग्जाम्पल दे दिया है, बाकी के एक्सरसाइजेस आपके बुक में दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो भी डिटेल्स है आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।